बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एट द रेट ऑफ IT World 1122 से मोहम्मद इफ्तिखार एक नई वीडियो आपके पास लाए। कल हमारे पास एक कस्टमर आया था तो उसको SPSS सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, हमारे पास था नहीं। तो मैंने जब नेट से सर्च किया तो वो एज़ ए क्रैक फाइल मांग रहा था और रजिस्टर की मांग रहा था, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है 30.0। लेकिन हमारे पास एक 25 वर्जन का था तो उसकी क्रैक फाइल भी थी हमारे पास, उसके अपडेट्स भी थे। तो मैंने कहा चलें उसकी इंस्टॉलेशन भी आपको सिखा देता हूं, और उसका जो लिंक है वो मेरा प्ले स्टोर से आपको, यानी अपनी गूगल ड्राइव से आपको वो भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। तो सबसे पहले इसको चलते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन चेक करते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इसको क्रैक फाइल जो होती है वो कैसे सबमिट होता है, और जिसको भी ये ज़रूरत है तो वो ईज़िली हमारी गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में लाजमी याद रखें जी। तो इसे ये शॉर्टकट है हमारे पास। अच्छा, इसमें ISO की फाइल है। अब ISO आप विनार में भी खोल सकते हैं जी, ओपन विद विनार भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर विंडो में आके ये सेटअप है, ये भी चला सकते हैं। और इसका इमेज है तो इमेज आपके पास जब होगा तो विंडो 10 होगी तो उसमें ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये भी ओपन हो जाएगा, सीड रूम की तरह ये इमेज का ड्राइव बन जाती है और ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं तो ये हमारे पास ओपन हो गया। तो जस्ट एज ए विंडो पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये सेटअप थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसमें वर्जन भी हैवी है काफ़ी, यानी अभी 30.0 आया है। हमें याद था कि हमने SPSS 16, 19 ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये इंस्टॉल IBM SPSS ये 26, ठीक है। इसको आपने सेटअप चला देना है, इधर क्लिक कर लेना है, ठीक है। वैसे काफ़ी लोगों को आता है लेकिन वो एज ए क्रैक फाइल जब वो सीरी एक्टिवेशन करते हैं वो तरीका उनको नहीं आता। आपने क्या करना है, इधर मटेरियल है इसको आपने एक्सेप्ट करना है, इधर आपने एक्सेप्ट करना है। नोट्स है, ये भी है, आप इसको भी देख सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ये है, यस कर लें, ये भी आई एक्सेप्ट, ये आई एक्सेप्ट। जो बेहतर ये पढ़ाते हैं उनको बेहतर पता होगा, लेकिन ये है कि हमें अब अवेलेबल, अब हमें जो पता है तो उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। तो ये इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉलेशन के बाद इसके डास की कुछ फाइल्स होंगी वो इंस्टॉल होंगी, उसके बाद हम इसको एक्टिवेशन करते हैं, इसकी एक्टिवेशन चेक करते हैं कि क्रक फाइल कैसे हमने इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जिसको भी ज़रूरत हो, हमारी गूगल ड्राइव का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप वो कर ले, परमिशन इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, इंशाल्लाह आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं जी ये हो रहा है। तो जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद लाजमी याद रखें। देखते हैं ऐसे अच्छी वीडियो इंशाल्लाह आएगी। हमारा काफ़ी टॉपिक है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कम्प्लीट एक टॉपिक है, लेकिन उस पर काफ़ी टाइम लगता है। मसलन लेसन टाइप है उसका, डेली आपको एक मेन्यू जो है वो एक डेली आपको मैं बताऊंगा, तो वो काफ़ी वीडियो बन जाएगी उस पर। तो वो इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड पे किया हुआ है कि जो ट्रबल शूटिंग के हवाले से, जो सॉफ्टवेयर के हवाले से, वो इंशाल्लाह आपको पहले पता चल जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंशाल्लाह आपको बताते हैं जल्दी। तो ये इंशाल्लाह हो रहा है जी। ये आपने इधर से आके, ठीक है, ये क्रैक फाइल जो है आपने ये रीड में आप ये देखें वो कहते हैं, ये इसमें आपने कॉपी करना है और जिधर आपकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है ना उसमें आपने पेस्ट करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इधर से इस क्रैक फाइल के अंदर फोल्डर को, ठीक है। अब देखते हैं ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद जो है डास की कुछ फाइल्स होंगी, ठीक है जी, वो देखते हैं। ये अब CMD की उसकी कुछ फाइल्स हैं, ये भी देखते हैं। ये प्रोग्राम फाइल में IBM SPSS के उसमें इसकी जो है ड्राइव पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। ये जैसे ये कंप्लीट होता है तो वो भी देखते हैं। उसके बाद इसकी क्रैक फाइल जो है वो भी पेश कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे आता है तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के बाद भी, जब ओपन होगा उस पर भी टाइम लेगा थोड़ा सा, तो इतना वो नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा।
मैं भी फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी जो पढ़ा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन ये है कि जो इलम में है वो आपको बता रहा हूँ जी। ठीक है, तो ये हम सी ड्राइव में चले जाते हैं, इधर देखते हैं प्रोग्राम फाइल। ठीक है, ये आई बी एम वाला ये देखें। अब वो कह रहा है जी एथराइज है, आप इसको स्टार्ट करें और ये जो है लेसेंस, जो इसकी लेसेंस की है, लेकिन मैं इसको चेक हटा देता हूँ। मैं डायरेक्ट जो है इसको स्टेटस में आके 26 इधर आके वो क्रैक फाइल को पेस्ट करता हूँ, तो वो कहते हैं रेडी एक है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपने रिप्लेस द फाइल करना है। ठीक है, इंटरनेट और कंटिन्यू करना है जी। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, और इसके अलावा आपने इधर से कोई चीज़ देखनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं, स्टार्ट में आके ये IBM SPSS। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर, अब इधर थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये है कि ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखते हैं, इसको रन करते हैं उसके बाद। तो ये देखिए इंस्टॉलेशन हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ये ओपन हो गया जी। ठीक है, तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। ठीक है जी, बाकी आप देख लें इसमें जो चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन है और रजिस्टर्ड भी हुआ पड़ा इसमें कोई भी, आप देखें इधर आके अबाउट में आके तो ये रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है जी, तो ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।